Hello students, in this lecture we will see how we can use Kirchhoff's law to solve any circuit and what are the steps which we have to follow, right? तो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे कोई सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। तो पॉइंट एकदम क्लियर है, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके कोई भी सर्किट अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो प्रॉपर हमारा आंसर आएगा, राइट? उन स्टेप्स को आज हमको डिस्कस करना है, टोटल 6 स्टेप्स है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप ऐसा है, सबसे पहले आपको करंट का डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टेप्स देख लो, अगर ये स्टेप्स आपको प्रॉपरली समझ में आता है तो कोई भी सर्किट प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप है, सर्किट जो भी होगा उसमें एक करंट का प्रॉपर डायरेक्शन सेलेक्ट करो, राइट? सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर सेलेक्ट या फिर चूज भी लिख सकते, चूज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट प्रॉपर वर्ड, राइट? सेलेक्ट अ डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, सबसे पहले हम करंट का डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, राइट? तो पहला पॉइंट ऐसा, स्टेप वन ऐसा है, सेलेक्ट वन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का अलग अलग लूप में एक ही डायरेक्शन होना चाहिए ऐसा सेलेक्ट करेंगे, राइट? ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर हमारे पास करंट के ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हमको उन वेरिएबल्स को रिड्यूस करना है यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करके हम वेरिएबल जो होते हैं, करंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा रिड्यूस द वेरिएबल्स को, रिड्यूस द वेरिएबल बाय यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ मींस करंट लॉ यूज करके हम करंट का जो भी वेरिएबल होगा उसको कम करेंगे। वेरिएबल मींस I1, I2, I3, I4, इतना ज्यादा चार चार वैल्यू अगर हम नहीं निकाल पाए तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कम कर देंगे, राइट? ऐसा तो पॉइंट ऐसा, हमको वेरिएबल्स को कम करना पड़ेगा यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर टू इज रिड्यूस द वेरिएबल्स, वेरिएबल जो भी करंट के वेरिएबल्स होंगे उनको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस द वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो यूज करो और जो भी करंट वेरिएबल हो उसको कम से कम रखने का ट्राई करो, राइट? ये हुआ। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं कोई सर्किट में, इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने केवीएल में आपको पढ़ाया, सेकंड लेक्चर जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी था, वहां पे हमने केवीएल में लूप्स देखे थे, तीन लूप्स हमको मिले थे, राइट? तो यहां भी थर्ड स्टेप में आपको लूप बताना है कितना है और वो लूप इंडिपेंडेंट होने, राइट? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट लूप्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, ये ज्यादा बेटर होगा। कितने इंडिपेंडेंट लूप्स प्रेजेंट है उसको पहले डिटरमाइन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर थ्री इज डिटरमाइन, क्या करना पड़ेगा हमको, हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, जो भी इंडिपेंडेंट लूप्स है उसको पहले आप डिटरमाइन कर लो, राइट? डिटरमाइन कर लो, ओके। अब जब लूप को डिटरमाइन करेंगे तो उसमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्लाई द केवीएल इन ईच लूप, जितना भी लूप आपने डिटरमाइन किया है उसमें आप केवीएल अप्लाई कर लो। देखो पॉइंट जो भी सिखा रहा हूं बहुत ईजी है और एकदम थियोरेटिकल, तो फटाफट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। जो भी लूप्स आपने समझो एज्यूम करते हैं फोर लूप्स आपने डिटरमाइन किया, तो वो फोर के फोर लूप्स में आपको केवीएल अप्लाई करना है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, अप्लाई केवीएल, राइट? केवीएल का फुल फॉर्म आई होप सबको पता है, केवीएल मींस होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ईच लूप, जितना भी लूप आपने डिटरमाइन किया है उसमें आप क्या अप्लाई करो, केवीएल। और केवीएल अप्लाई करने के बाद मिलता क्या है, केवीएल अप्लाई करने के बाद हमको इक्वेशंस मिलते हैं, उन इक्वेशंस को हमको साइमल्टेनियस सॉल्व करना होता है। तो पॉइंट नंबर फाइव होगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व ऑल द इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन आपको मिलेगा थ्रू केवीएल वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो पॉइंट एकदम क्लियर है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में केवीएल से हमको इक्वेशन मिलते हैं तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस। अच्छा वो इक्वेशन आया कहाँ से, केवीएल अप्लाई करने की वजह से इक्वेशन आता है, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, सॉल्व द इक्वेशंस, फुल लिखता हूँ पूरा प्रॉपर, जितने भी इक्वेशंस है सॉल्व द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अच्छा टू गेट, अच्छा
साइमल्टेनियस वैल्यू, अगर साइमल्टेनियस अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, अगर हमने इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो हमको वेरिएबल्स के आंसर मिलेंगे. इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल आगे लिखना है तो आप ऐसा लिख दो, सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस कभी निकालने बोला होगा, कभी करंट निकालने बोला होगा, ऐसा. तो जो भी वेरिएबल्स होगा उसका आंसर हमको इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके मिल जाएगा. अच्छा एक बात समझो, वैसे ये वेरिएबल समझो जब मोस्टली करंट ही होगा, आई का वैल्यू निकालना होगा, आई वन आई टू आई थ्री ऐसा जितने लूप्स हो सकते हैं. लास्ट जो स्टेप है पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या करना है, अगर समझो इनकेस, अगर इनकेस समझो मैंने एक लूप है मेरे पास, एक लूप है समझो ये वाला लूप समझा तो बहुत सारे लूप्स हैं, उसमें से एक लूप मैंने ए बी सी डी जो लिया है, ये है मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ, मीन्स ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये मैंने अज्यूम किया यार फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट वन डायरेक्शन ऑफ करंट, मीन्स ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, आई वन अज्यूम करता हूँ करंट. और जब मैंने पूरा सब कुछ सॉल्व किया और मुझे मालूम पड़ा वैल्यू ऑफ आई वन इज -5 एम्पियर, ऐसा अगर आंसर आ गया तो इतना समझ लो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है देन जो आपने अज्यूम किया था ना करंट का डायरेक्शन फर्स्ट स्टेप में, वो गलत डायरेक्शन है, तो उसको सही कर लो, राइट. ऐसा तो पॉइंट ऐसा है कि इफ द आंसर ऑफ करंट इज नेगेटिव दैट मीन्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ, कन्वेंशनल मीन्स जो एक्चुअल डायरेक्शन है, राइट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ एज्यूम्ड, याद है जो आपने एज्यूम किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा. ऐसा कब होगा, जब करंट का आंसर नेगेटिव आएगा तो, राइट. याद है हमने सॉल्व किया ना, हमने इक्वेशन साइमल्टेनियस से सॉल्व कर लिए और वेरिएबल्स का आंसर निकाला. वेरिएबल्स मीन्स क्या, मोस्टली आपके वेरिएबल यहाँ पे करंट ही होंगे, राइट, करंट्स होंगे. वैसे करंट हो सकता है बहुत कुछ, करंट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट, बहुत कुछ निकाल सकते हैं और बहुत सारा ऐसा पॉसिबल है. तो करंट का समझो अगर हमको आंसर मिला और अगर आंसर नेगेटिव आया है, दैट मीन्स जो डायरेक्शन स्टार्टिंग में स्टेप वन में अज्यूम किया गया था वो डायरेक्शन गलत डायरेक्शन है, उसका अपोजिट डायरेक्शन कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है. तो पॉइंट एकदम क्लियर है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव दैट मीन्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ अज्यूम्ड, जो भी आपने अज्यूम किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन, राइट. चलो तो पॉइंट हमारा ऐसा है, इफ अगर इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ फ्लो, ये वैल्यू ऑफ फ्लो क्यों, इफ द वैल्यू ऑफ करंट, राइट, हमने हम तो करंट का आंसर निकाल रहे हैं. इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव, इफ द वैल्यू ऑफ करंट, अगर करंट का वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव तो क्या होगा, होगा ऐसे कि जो भी डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है स्टेप वन में उसका अपोजिट डायरेक्शन कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है. इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव देन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो कन्वेंशनल जो मीन्स एक्चुअल डायरेक्शन है, देन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कैसा होगा, अपोजिट होगा ना, जो आपने एज्यूम किया उसके अपोजिट, इज अपोजिट टू दैट ऑफ, इज अपोजिट, is opposite to that of assumed direction, जो step one में आपने assume किया था assumed direction, उसके opposite direction आपको मिलेगा अगर आपका current का answer negative आता है, right? Point एकदम clear है. चलो तो ये जो भी मैंने आपको बताया, this are the 6 steps which you have to follow in order to solve any circuit problem using Kirchhoff's law. अगर आपको Kirchhoff's law use करके कोई भी circuit का problem solve करना है तो आपको ये 6 steps use करने पड़ेंगे, बहुत easy है. एक बार recap करते हैं, first step में current का direction, second step में variable कम करो using KCL, Kirchhoff's law याद रहा, फिर थर्ड स्टेप में डिटरमाइन करो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप है, फिर KVL अप्लाई करो ईच लूप, जो भी इंडिपेंडेंट लूप थे उसमें आपको KVL अप्लाई करना पड़ेगा. और एक बार KVL अप्लाई कर दिया तो इक्वेशंस मिलते हैं, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, वेरिएबल का आंसर मिलेगा, अगर वेरिएबल का आंसर नेगेटिव आता है तो जो डायरेक्शन एज्यूम किया गया था फर्स्ट स्टेप में उसका अपोजिट डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन मीन्स कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, राइट. तो पॉइंट 6 एकदम क्लियर, ओके, आई होप प्रॉपरली एकदम समझ में आ चुका है क्वेश्चन जैसे मैंने सिखाया, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ओके, थैंक यू.